हालत ख़राब हो चुकी है। आईज देख रहे हो मेरी, तीसरा तीन गोली ले चुका हूँ अब तक मैं। सर से दर्द से फटा जा रहा था। So, let's begin. Karuna go, Karuna go, Karuna go, Karuna go, go Karuna, go Karuna, go Karuna, go Karuna, Karuna go, Karuna go, Karuna go, Karuna go, go Karuna, go Karuna, go Karuna. यो गाइस, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज फाइनली वैक्सीन का स्लॉट बुक करने वाला हूँ, जो कि मुझे लगा था मैं आने वाले 4-5 साल तक भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा था वैक्सीन आएगी ही नहीं इस दुनिया में। देखते हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके वैक्सीन लगाने के बाद मुझे क्या होता है। कोरोना गो। ओके ठीक है, ज्यादा हो गया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कल बुक करते हैं, देखते हैं। डे 2, मैं जितने देर में क्लिक करता और कैप्चर दबाता उतने देर में वो गायब भी हो गया। Day 3, कल ट्राई करते हैं, देखते हैं, आज भी नहीं हो पाया। Day 4, वैक्सीन के स्लॉट बुक करने में हमें लग गए 4-5 दिन, और जब वैक्सीन दुनिया में भी नहीं आई थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया था, मेरे दो फ्रेंड मुकुल और अविनाश, कि वैक्सीन जब भी इस दुनिया में आएगी हम तीनों साथ में ही वैक्सीन लगाने के लिए जाएंगे। तो ये टिपिकल फ्रेंडशिप गोल्स को निभाते हुए हम लोग निकल पड़े थे वैक्सीन की ओर। डर तो लग रहा है, लेकिन सही बता, कुछ होगा तो नहीं अभी ना? बस मौत। सबसे पहली बात, इंजेक्शन लगवाने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। लड़कियां बहुत सोचती हैं कि वो यहाँ पे दर्द करे, इंजेक्शन लगेगी, सुई लगेगी, लड़कियां नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ। उसके बाद अभी 15 मिनट बाद आपको ये पूरे दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेन होगा। हाँ, तो मत दवा दर्द कर रहा है। तो ये फालतू इंसान मास्क उतार के बात कर रहा है, मास्क पहनो, चलो। यहाँ पे दूर दूर तक कोई है नहीं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई है नहीं, तो मैंने सोचा तेरे पीछे लोग दिख रहे हैं, झूठे इंसान। तो ये है मेरा फ्रेंड अविनाश सिंह, जो कि ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोस बनाता है। सो गो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब हिज चैनल। कुछ नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, रोया भी क्या तू? तो देख के लग रहा है ये रोया है इंसान। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हल्का सा। 3 hours later, वैक्सीन तो ले ली है ब्रो, अब चलो थोड़ा चाय पी के आते हैं। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना, और गांधी जी बन, गांधी जी, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो तो चाय चाय चाय। 8:01 PM, हालत खराब हो चुकी है, आईज देख रहे हो मेरी, तीसरा तीन गोली ले चुका हूँ अभी तक मैं। फीवर पता नहीं कितना है, मेजर मैंने किया था 102 था लास्ट। नेक्स्ट डे, यार सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कल वैक्सीन लगवाया था हम लोगों ने, तो कल तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब मुझे फील भी नहीं होता कि मैंने लगवाया है, बस थोड़ा बहुत इधर हाथ में पेन था, वो तो नॉर्मल इंजेक्शन लेने के बाद भी होता है, लेकिन आज सुबह से जो मेरा हेडेक स्टार्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरे सर पे किसी ने मार दिया है। फीवर आना स्टार्ट हो गया क्या तुझे अभी? नहीं भाई, कुछ नहीं होगा। सबको लगता है कि बहुत, लेकिन मच्छर काटने से भी कम दर्द होता है। गाइस, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है रात में, काफ़ी ज़्यादा फीवर थी, 102 ऑलमोस्ट, सर से दर्द से फटा जा रहा था। मैं तो लगाने वाला नहीं था वैक्सीन, लेकिन मेरे हरामी दोस्तों की वजह से मुझे लगवाना पड़ा, कि नहीं साथ में ही लगवाना है, साथ में लगवाना है, जैसे शादी में जा रहे हैं सब। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने इस वीडियो में अपना लाइक पोस्ट वैक्सीनेशन क्लिप डाला ही नहीं,
कि लाइक साइड इफेक्ट में मुझे हुआ क्या, एंड द रीजन बीइंग मुझे सच में कुछ हुआ ही नहीं. एक्चुअली मुझे कोविड हुआ था, उसके 21 डेज के बाद मैंने वैक्सीन ली. और बात यह है कि मेरे ये दो फ्रेंड मुकुल और अविनाश, इनको छोड़ के जितने भी फ्रेंड्स ने अभी तक वैक्सीन ली है, सब लोगों को 102 से 103 डिग्री फीवर आना काफ़ी नॉर्मल है. और जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हो एनवायरनमेंट में इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी, देन इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टोरीज में ज़रूर शेयर करें. क्योंकि लोग आज भी ये मान रहे हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए. तो गो एंड शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.